हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आई टी आई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं जी, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन है जी, जिसको हम आइसोमेट्रिक व्यू है जी। इसको हम लोग क्या करेंगे जी, इसको ड्रॉ करेंगे सेट स्क्वायर से यूज करके। कैसे सेट स्क्वायर से यूज करके हम लोग ड्रॉ करते हैं जी, तो सबसे पहले हमारे पास देख लेंगे जी, दो सेट स्क्वायर पाया जाता है जी। देखिए ये वाला जो पतला वाला सेट स्क्वायर है, इसको आइसोमेट्रिक व्यू में यूज करते हैं जी। और ये वाला थोड़ा चौड़ा वाला जो सेट स्क्वायर है जी, तो इसको हम ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन बनाने के लिए यूज करते हैं, समझ गए जी। अब देखेंगे हमको बनाना क्या है जी। यहाँ पे देखिएगा ये पेज से क्या हुआ है, हल्का ढक गया है जी। यहाँ पे देखिए आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है, तो थोड़ा पेज को और इधर कर ले रहा है, आप लोग को समझने में परेशानी नहीं होगी इस तरह। अब आगे ध्यान से देखेंगे जी, हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे। तो आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए देखिए, ये वाला जो सेट स्क्वायर है जो पतला वाला, इसको जस्ट ऊपर रखेंगे, और ये जो चौड़ा वाला सेट स्क्वायर है जी, इसको नीचे रखेंगे। अभी यहाँ से ध्यान से देखिए, ये आइसोमेट्रिक, कोई भी आइसोमेट्रिक ड्रॉ करने से पहले क्या करेंगे जी, दो ठो बेस लाइन ड्रॉ करते हैं जी। तो ध्यान से देखेंगे, स्टेप बाई स्टेप आप लोग समझते चलिए जी। वैसे आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, जिनको भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट किया कीजिए जी। अगर जिसको जहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है जी, तो हो सके अगले वीडियो से वो आप लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जी। हो सके वॉइस में या जो भी हो प्रॉब्लम, वहाँ बताइए जी, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है जी। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग करते क्या है जी, बेस लाइन लेते, पेज का कोर और सेट स्क्वायर का कोर प्रॉपर बराबर रखेंगे। देन बराबर रखने के बाद एक हो गया जी बेस लाइन, उसके बाद एक और बेस लाइन जस्ट ऊपर, देखिए एक और बेस लाइन ले लेंगे जी, जो कहाँ रहेगा जी, ऊपर की तरफ। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए, जो दो ठो बेस लाइन हमारा क्लियर हो गया जी यहाँ पे। अब देखिए नीचे वाले जो बेस लाइन है जी, वहाँ पे हम क्या रखेंगे, सेट स्क्वायर को एडजस्ट करके रखेंगे जी। और ऊपर वाला सेट स्क्वायर, सॉरी ऊपर वाला जो बेस लाइन है जी, वहाँ से हम कोई भी ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से सेंटर लाइन हम यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट मान लिए जी। उसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये कितना है, ये 30 डिग्री पे है जी। आइसोमेट्रिक व्यू हमेशा कितना है बनता है जी, 30 डिग्री पे ही बनता है। क्लियर हुआ, 30 डिग्री या 60 डिग्री पे ही बनता है। क्लियर हो रहा है जी। अब देखिए यहाँ से एक लाइन चलेगा जी, कितना हो इसका कोई लिमिट नहीं है, कितना लाइन आगे की तरफ गया है। उसके बाद देखिए यहीं से देखिए परपेंडिकुलर लाइन कुछ गया है जी, जो भी दूरी हो, तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये वाला हम लोग एडजस्ट करके यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए काम है हमारा इतना ही, लेकिन हम लोग ऊपर ले लिए क्योंकि यही रेखा आगे की तरफ जाके यहाँ पे भी मिल रही है जी, तो इसलिए हम बड़ा ले लिए। उसके बाद देखिए इधर भी है, तो सेट स्क्वायर को देखिए यहीं पे क्या करेंगे जी, ऐसे ऐसे मूव कर दीजिए। और देन मूव करने के बाद इसको देखिए, ये हो गया जी, इतना इतना क्लियर हो रहा है जी। अब आगे ध्यान से देखिए, जब इतना क्लियर हो गया तो अब क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ये टोटल 60 और 20 कितना है जी, 80 है। तो सबसे पहले इसको हम लोग 80 ले देंगे, ये वाला 80 ले लीजिए, और उधर से ये 20 हो गया। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद देखिए साइड व्यू, लेफ्ट साइड में कितना है जी, ये भी 60 है। तो हम टोटल कितना ले लेंगे जी, 60 ले लेंगे। देखिए ये वाला क्लियर हुआ। उसके बाद बीच में कितना है जी हमारा, टोटल टोटल 20 है, तो 10 10 20, ये क्लियर हुआ जी 20। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब इतना होने के बाद अब आगे इसको फिर सेट स्क्वायर को क्या करेंगे, नीचे वाले बेस लाइन पे रखेंगे। अब ऊपर भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है जी, आप नीचे रखिए तो या ऊपर रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे, अब जो भी दूरी है जी, यहाँ से जो भी मार्किंग किए हैं, सबसे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। उसके बाद से ध्यान से देखेंगे, यहाँ से भी क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से भी हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद देखिए इस पॉइंट से ये वाला लाइन ड्रॉ
हो गया हमारा, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, अब सेट स्क्वायर को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे जी। लेफ्ट साइड वाला क्या है, रेखा का निर्माण करेंगे। तो लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ से इस रेखा को ऐसे एडजस्ट कर दिए, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ाते हुए ये यहाँ से एक लाइन जाएगा, ये क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब इस पॉइंट से लेकर और इस दोनों को पॉइंट को एक दूसरे से क्या करेंगे जी, आपस में एडजस्ट कर देंगे, क्लियर हो गया जी। तो ये वाला क्या हो जाए हमारा, फाइनली ये वाला फिगर बन चुका। अब उसके बाद ध्यान से देखेंगे, इसका हाइट टोटल कितना है जी, 20 और 80 टोटल कितना है जी, 100 है। तो देखिए इसका 100 हाइट लेंगे जी, तो हाइट में थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको देखिए ये टोटल कितना होना चाहिए जी, हमारा 80 ही होना चाहिए। तो या आप डायरेक्ट यहाँ से 100 ले लीजिए, 100 दूरी, तो ये वाला हमारा क्या हो गया जी, टोटल 100, टोटल 100 हो गया जी, क्लियर हो रहा है जी, टोटल 100 हो गया। उसके बाद देखिए, इतना लेने के बाद अब आगे देखिए, सेट स्क्वायर को ये नीचे की तरफ नीचे रखेंगे जी, और देन नीचे रखने के बाद, सेट स्क्वायर को नीचे रखने के बाद इसको देखिए क्या कीजिए, ऐसे मूव कीजिए, और ये वाला जो दोनों पॉइंट है जी एक दूसरे से देखिए यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट को यहाँ से मूव कर दीजिए, और उसके बाद ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जी, जो 90 पे लिए थे जी, इसको अब इसको क्या कीजिए आप, आगे की तरफ मूव करा देंगे जी। उसके बाद देखिए, इसको सेट स्क्वायर को और ऊपर की तरह मूव करते हुए देखिए, देखिए यहाँ से ये हुआ, और उसके बाद ये वाला दूरी देखिए, ये वाला टोटल दूरी क्या हुआ, यहाँ से इसको मिला देंगे, ये हुआ, और उसके बाद ये दूरी इसको मिला दिए, क्लियर हुआ जी। उसके बाद से इस पॉइंट को क्या करेंगे जी, एक दूसरे से देखिए यहाँ पे, इसको यहाँ से देखिए आगे की तरफ, इसको देखिए हल्का सा ये क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा चला गया जी, तो इसको हम लोग मिटा देंगे। ध्यान से देखिएगा जी, बनाते समय इसी पॉइंट को, पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जी। अब उसके बाद अब ये वाला है जी, देखिए हल्का सा और सेट स्क्वायर को आगे की तरफ बढ़ाकर देन यहाँ से देखिए, तो इसको प्रॉपर क्या कीजिए आप लोग, मिला दीजिए, लो हो गया क्लियर। उसके बाद इतना होने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, जब हमारा इतना क्लियर हो गया जी, तो अब यहाँ पे हम लोग डार्क करते हैं जी। तो डार्क देखिए कौन कौन सा पार्ट इसमें डार्क होगा, तो उसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ से देखिए ये वाला दूरी है जी, ये वाला टोटल दूरी इसको डार्क हुआ है यहाँ पे। उसके बाद देखिए, अब ये वाला दूरी है जी, देखिए ये क्लियर हुआ जी। उसके बाद से जो परपेंडिकुलर लाइन है जी, ये वाला दूरी हुआ, उसके बाद ये वाला दूरी हुआ, क्लियर हो रहा है जी। अब उसके बाद इस दूरी को, और उसके बाद ये वाला दूरी टोटल, क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद इस दूरी को यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा। अब उसके बाद यहाँ से ये दूरी हुआ जी, और ये उसके बाद ये वाला दूरी देखिए, यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे बन रहा है जो वैसा ही सेम टू सेम आप लोग भी बनाइएगा, तब ही जाके बनेगा। देखिए
यहाँ पे जो जो पार्ट यहाँ पे दिखाया गया था, जिस सभी पार्ट को हम लोग दिखा रहे हैं। देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं दिखाया गया तो इसको रहने देंगे जी। फिर यहाँ पे भी कुछ कुछ पार्ट, कोई भी पार्ट नहीं दिखाया तो इसको हम लोग ऐसा ही रहने देंगे, एच भी नहीं करेंगे जी। समझ में आ रहा है जी? उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला, इस लाइन को भी यहाँ से यहाँ तक, अब और यहाँ से ये वाला लाइन भी यहाँ से यहाँ, क्लियर हुआ? अब उसके बाद ध्यान से देखिए, अब ये वाला पार्ट है ना जी, ये वाला यहाँ से ये टोटल पार्ट, और उसके बाद ये वाला भी यहाँ से टोटल, फाइनली ये पार्ट बन गया। तो क्लियर हुआ जी? तो इतना तक हमारा क्या हुआ जी, ऑलरेडी बन चुका है जी। अब यहाँ पे देखिए, देखिए जो भी पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसी पार्ट को हम लोग क्या किए हैं जी, डार्क किए। देखिए जो ये एक्स्ट्रा ये लाइन गया है जी, इसको चाहते हैं आप तो मिटा भी सकते हैं या नहीं भी मिटाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ जी? मिटा दीजिएगा तो और ज़्यादा बेटर रहता है जी। क्या होता है जी, जो भी हमारा ग्राफ है, जो भी लाइन है जी हमारा, स्पष्ट क्या होता है, क्लियर दिखता है जी। मिटा देने से ये फ़ायदा होता है जी। उसके बाद ये वाला देखिए, यहाँ से ये वाला पार्ट है ना यहाँ पे जी, और उसके बाद इसको हम चाहते तो इरेज कर भी सकते हैं या नहीं भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है जी? अब उसके बाद ध्यान से देखिए, अब इसका हम लोग डायमेंशन करेंगे, क्या करेंगे, डायमेंशनिंग दिखाएंगे इसका। तो डायमेंशन में देखिए, डायमेंशन में कैसे करते हैं, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी लेते हैं जी। सेम काम यहाँ पे भी, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी लेते हैं जी। क्लियर हुआ जी? उसके बाद सेम काम यहाँ पे भी वही करते हैं जी, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी, सेम काम वही यहाँ पर भी, यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस करते हैं जी। ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ जी? उसके बाद से ध्यान से देखिए, अब ये वाला जो भी लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं जी, इसको क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो छोटा छोटा लाइन है इसको हम लोग एक्सटेंशन लाइन के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ जी? और ये जो लाइन पूरा खींच रहे हैं जी, तो देखिए इसको हम लोग डायमेंशन लाइन के नाम से जानते हैं, ये वाला जो लाइन खींचे जी। क्लियर हुआ? उसके बाद इधर का भी जो भी मैं डायमेंशन है, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी, सेम काम यहाँ पर भी, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी, यहाँ पर भी वही काम करेंगे जी, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी लेंगे। क्लियर हो रहा है जी? अभी इतना क्लियर हो गए, उसके बाद ये एरो हेड दिखाएंगे, प्रॉपर एरो हेड दिखाइए जी। तो देखिए जो भी मेजरमेंट है जी उसका हम लोग, सॉरी जो भी एरो है जी, जो भी तीर, ये तीर के जैसा यहाँ पे मार्किंग कर देंगे जी। समझ में आ रहा है जी? उसके बाद जो भी दूरी है, 60 है, ये 60 है, ये 20 है, ये 20 है, और ये हमारा 80 है। क्लियर हो रहा है जी? उसके बाद से ध्यान देखिए, ये वाला हमारा क्या है, फ्रंट व्यू है। उसके बाद इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, इस फिगर में इसको हम लोग साइड व्यू के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है जी, ये वाला भाग है, इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग टॉप या प्लान के नाम से जानते हैं, टॉप या प्लान व्यू के नाम से जानते हैं। तो इतना हमारा क्या हुआ जी, फिगर बन के रेडी हो गया। और उसके बाद नीचे ये के लिख दिया जाता है जी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ पे लिख दिया जाता है जी, क्या कि ऑल डाइमेंशंस आर इन mm, ऑल डाइमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी।